तो वेलकम बैक गाइस। और आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जैसा आप देख रहे हो कि मैं घर पर हूँ, अभी स्टूडियो में नहीं हूँ। आज हम टेस्ट करेंगे कुछ और। तो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी आईफोन 8 के ऊपर, हमने बाय किया था चीपेस्ट आईफोन कैशिफाई के ऊपर ऑनलाइन। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि यार कैशिफाई के तो ऑफलाइन स्टोर भी हैं, तो ऑफलाइन स्टोर का भी एक्सपीरियंस एक बार हम देखते हैं कैसा है। तो आज हम जाएंगे कैशिफाई के ऑफलाइन स्टोर एंड एक करेंगे अगेन बाय आईफोन। और इस बार जो आईफोन होगा देखते हैं। मेरा मन तो यही है कि आईफोन 10 में ले लूं, आईफोन 8 हो गया तो उससे ऊपर अब आईफोन 10 आ गया। तो एक बार जाते हैं और लेके आते हैं आईफोन 10। ऑनलाइन जो प्राइसिंग है आईफोन 10 की वो है अराउंड 22,000 से 24,000 के बीच में, सुपर कंडीशन की। तो मैं यही प्राइस सेम उम्मीद कर रहा हूँ वहां पर भी। तो एक बार निकलते हैं अभी और देखते हैं क्या है कैशिफाई के ऑफलाइन स्टोर पे। तो फाइनली हम कैशिफाई के स्टोर के लिए निकल गए हैं। और कैशिफाई का स्टोर है जो अराउंड 27 मिनट यहाँ से दूर है। तो मैं हूँ ग्रेटर नोएडा में और कैशिफाई का स्टोर है यहाँ पे नोएडा सेक्टर 18 में। तो आधे घंटे में वहाँ पहुंचेंगे और देखेंगे अपना फोन और देखते हैं क्या वहाँ पे एनवायरमेंट है, कौन कौन से फोन अवेलेबल है, वो भी मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। बट हमारा मेन तो जो है वो है वो आईफोन 10 जो हम खरीदने वाले हैं, वो कैसा कंडीशन का मिल रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसा है कैशिफाई का स्टोर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कैशिफाई का स्टोर एज अ विजिट करने का, ऑफलाइन स्टोर विजिट करने का। तो लेट्स सी हाउ इट इज। तो पहुंच के एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये है अट्टा मार्केट सेक्टर 18 नोएडा। बहुत देर से वेट कर रहा हूँ पार्किंग का, पार्किंग अब जाके मिली है। तो अब पार्किंग करेंगे गाड़ी और पहुंचेंगे फिर कैशिफाई के पास। तो ये गाइस कैशिफाई का स्टोर है ऑफलाइन एंड ये रहा इनका फोन प्रो। ये सारे के सारे फोन अवेलेबल हैं अभी। तो ये वाला फोन आ रहा है हमारे पास अभी, एक बार जस्ट चेक कर लेते हैं इसको। कंडीशन तो एकदम सुपर्ब जो है सुपर्ब वाली लग रही है। बैटरी का स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। तो 92% बैटरी है। तो ये जो बैटरी है ये अभी ये रिप्लेस बैटरी है या ओरिजिनल बैटरी होगी? सर्टिफाइड बैटरी है। ओके ठीक है। हाँ हाँ और बहुत टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक है भैया, तो इसको हम पैक कर लेंगे फिर देखते हैं घर जाके। तो फोन फाइनली पिकअप कर लिया है हमने कैशिफाई से और अब जाते हैं स्टूडियो और करते हैं उसे अनबॉक्स, देखेंगे कैसा है आईफोन 10। और जो प्राइस मुझे मिला है वो है 22,000 रुपए के आसपास। तो ये ले आए हैं अपना फोन हम कैशिफाई के स्टोर से और इस वाले बैग में मुझे फोन दिया। तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि हमने लिया है आईफोन 10 और जो आईफोन है हमने खरीदा 22,000 के आसपास। और ये जो आईफोन है सिल्वर कलर का है और इसकी जो कंडीशन है वो है सुपर्ब। तो एक बार जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या है, कैसा ये आईफोन है और इसकी जो कंडीशन देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइज ये है आईफोन का बॉक्स और फोन प्रो इसकी ब्रांडिंग है और यहाँ पर आपको मिलती है 6 मंथ्स की वारंटी। और इधर आप देख सकते हैं इसमें मिलते हैं आपको सेम वही चीज़, 32 चेक पॉइंट्स, पैन इंडिया सर्विस और ये एक सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड आईफोन है और स्मार्टफोन है। एंड ये जो आईफोन है वो है आईफोन 10, 3GB रैम, 64GB की इसकी स्टोरेज है और यहाँ पर इसकी जो MRP उन्होंने दी है वो है 55,999। तो ये जो MRP देख के मुझे कुछ याद आ गया, आज से अराउंड 5 साल पहले हमने अपने इस चैनल पे आईफोन 10 की अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन इन दी एरिया जिसने आईफोन 10 जाके खरीदा था जियो के स्टोर से। और मेरा वो एक्सपीरियंस इस वाले फ़ोन के साथ उस टाइम भी बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था उस टाइम भी। तो अभी जल्दी से करते हैं इस वाले फ़ोन को अनबॉक्स और देखते हैं बॉक्स से कॉन्टेंट। तो ये जो अनबॉक्सिंग हम पहले भी कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोन जिसे मैंने एक्चुअल में निकाल के चेक देख भी चुका हूँ एक बार। साइड आपको मिल जाता है ये कार्ड जिसमें आपके पास फोन प्रो के बारे में है कि वारंटी कैसे आप इसे अवेल कर सकते हो। और बाकी मिलता है हमें यहाँ पर इसके अंदर इसका चार्जर एंड ये है इसकी केबल। तो जो चार्जर है इस वाले फ़ोन के साथ हमें मिल रहा है ये वाला चार्जर और इसकी जो आउटपुट रेटिंग है वो है 20 वॉट। तो 20 वॉट वाला चार्जर आपको मिल रहा है और ये एक टाइप सी पोर्ट इसके अंदर आपको दिख रहा है। एंड जो केबल है इसके अंदर, तो अगेन अगर आपके पास चार्जर में टाइप सी पोर्ट है तो केबल भी आपके पास टाइप सी ही होगी। तो ये है केबल जो है आपके पास टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट, अब जल्दी से देख लेते हैं हमारे फ़ोन को। तो ये है हमारा आईफोन 10 और आप यहाँ देख सकते हो ये वाला जो वेरिएंट है हमारे पास ये सिल्वर कलर के अंदर है।
और गाइस ये वाला जो वेरिएंट था इसमें ये आई थिंक फर्स्ट आईफोन था जिसके अंदर टच आईडी एप्पल ने हटा दी थी। और जब ये फोन लॉन्च हुआ था काफी धमाल मचाई थी इस फोन ने, बहुत सारे लोग इसको वेटिंग में थे, फोन खरीदने के चक्कर में लगे हुए थे। तो अगर बात करें इस फोन की कंडीशन की तो गाइस आप देख सकते हो एज एक सुपर्ब कंडीशन फोन है, तो यहाँ पर आपके पास एक भी मुझे यूजेज मार्क्स नहीं दिख रहा, हालांकि एक दो मुझे माइनर, बहुत ही माइनर स्क्रैच बैक पे दिख रहे हैं। तो ग्लास बैक है, स्टिल इसमें कोई यूजेज मार्क्स नहीं दिख रहे, तो मुझे लगता है जो भी आईफोन का ये वाला यूजर था उसने काफी अच्छे से इसको रखा, मे बी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा रखा होगा या फिर ऑलवेज कवर में इसको यूज किया होगा। बाकी जो इसमें आपके पास साइड्स में जो मेटल की जो फ्रेम है इसमें भी मुझे इतने ज्यादा मार्क्स नहीं दिख रहे, एक दो मार्क्स मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं कि यहाँ पर एक मार्क मुझे दिख रहा है इस अलर्ट स्लाइडर के पास। पीछे की साइड तो ये फोन बिल्कुल ही क्लीन है और फ्रंट में आप देख सकते हो इसका जो स्क्रीन है उस पर भी कोई भी स्क्रैच नहीं लगे। आई एम नॉट श्योर ये स्क्रीन वही है या फिर इसको चेंज किया गया है, बट अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये स्क्रीन ओरिजिनल ही है, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख भी रहा है कि थोड़े सी इधर मिट्टी भी है। तो यस, 5 साल पुराना फोन है तो थोड़ी बहुत इसमें डस्ट वस्ट होनी भी चाहिए, अदरवाइज मुझे लगेगा कि पूरा का पूरा इन्होंने उठा के दूसरा इसमें थमझम डाल दिया है। स्क्रीन में अगर आप भी ध्यान से देखो तो कोई भी पेस्टिंग का साइन नहीं है, स्क्रीन बिल्कुल ओरिजिनल जैसी इसकी लुक एंड फील इसमें आ रही है। तो ओवरऑल इस फोन की जो कंडीशन है वो सुपर्ब ही है, कोई भी मुझे स्क्रैचेस ऐसे मेजर नहीं दिख रहे, छोटे मोटे बहुत ही वेरी माइनर थोड़े बहुत इसके अंदर मुझे स्क्रैचेस दिख रहे हैं। जैसे ईयर पीस के पास आप ध्यान से देखो तो अगर आपको यहाँ पे डस्ट दिख जाएगी इसके अंदर। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चार्जिंग पोर्ट भी देखो, चार्जिंग पोर्ट भी इसका काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, थोड़ी सी अगर आप ध्यान से देखो तो हल्की सी यहाँ पे इसके अंदर डस्ट मुझे नजर आ रही है। तो इतना तो माइनर वेयर एंड टेयर होता भी है अगर आप फोन को यूज करो, बट ओवरऑल मैं इस फोन की कंडीशन से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ अभी तक फिलहाल। तो जल्दी से कर लेते हैं इस फोन को ऑन और करते हैं सेटअप और देखेंगे इस फोन की बाकी चीजें काम कर रही है नहीं कर रही। तो ये हो गया है हमारा फोन ऑन और यहाँ पर आ गया हमारे पास एप्पल का लोगो। एंड गाइस आईफोन 8 से आईफोन 10 के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए थे, जैसे आपके पास आ गया था इसके अंदर फेस आईडी, तो टच आईडी की जगह फेस आईडी आ गया था। इसकी स्क्रीन बेटर थी तो इसके अंदर आपको मिल रही है आपको ओलेड स्क्रीन, वो थी आईपीएस एलसीडी, तो स्क्रीन का एक मेजर इसमें आपका बोल सकते हो अपग्रेड था आईफोन 8 से इसके ऊपर। और कैमरा वाइज भी मुझे लगता है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी थी और बैटरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, तो उसमें थी अराउंड 1700-1800 एमएच की बैटरी, इसके अंदर आपको मिलती है अराउंड 2200 या 2500 के करीब, मुझे प्रॉपर नंबर नहीं पता, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो एक बार ये फोन ऑन हो गया है, अभी एक बार जल्दी से इसको सेटअप कर लेते हैं और देखते हैं कि फीचर्स इसके काम करें नहीं कर रहे। तो ये रहा वो वाला चीज फेस आईडी, और इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड था उस टाइम, एक बार इसको सेटअप कर लेते हैं। तो ये हो गया है हमारा फोन सेटअप और यहाँ लिखा गया वेलकम टू आईफोन, स्वाइप अप टू गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारा इसका आईफोन का होम पेज और आई थिंक इसके अंदर iOS 15 डली हुई है, बिकॉज iOS 16 तो नहीं लग रही मुझे। और एक बार ट्रू टोन भी हम इसको ऑफ करके चेक कर लेते हैं कि उसमें फर्क पड़ रहा नहीं पड़ रहा। यस, इसमें फर्क पड़ रहा है ट्रू टोन के अंदर, तो जो स्क्रीन है डिस्प्ले है वो अच्छे से ये काम कर रही है। और बाकी अगर बात करें तो ये जो फोन है वो है हमारा iOS 15.4.1 पर 64 GB ये फोन है, 52.98 इसमें अवेलेबल है। iOS 16.5 भी अवेलेबल है इस फोन के लिए, तो विच इज़ वेरी गुड, तो इसे हम इंस्टॉल कर लेंगे थोड़ी देर में। एंड आखिरी में एक बार हम और चेक कर लेते हैं इसकी बैटरी, तो जो बैटरी की हेल्थ है वो है 92% और मुझे लगता है कि ये जो बैटरी है ये रिप्लेस करी गई है और रिप्लेस कराने के बाद भी कुछ दिन ये फ़ोन यूज़ किया हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये अगेन इसके अंदर एप्पल की जेन्युइन बैटरी है या फिर कैशिफाई ने अपनी बैटरी इसमें लगाई, तो वो मुझे नहीं पता, वो हम यूज़ करके चेक कर लेंगे कि इसके बैटरी का बैकअप कैसा आ रहा है। बाकी अगर बात करें इसके कैमरा की तो जो कैमरा है, इवन दो ये आईफोन 10 है जो 5 साल पहले लॉन्च हुआ था, इसका कैमरा मुझे लगता है अभी भी बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन से के मुकाबले ये कैमरा ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक बार सेल्फी खींच के देख लेते हैं कि अभी भी इसकी सेल्फी कैसे आ रही है। तो ये देखो इस फ़ोन की सेल्फी की क्वालिटी और काफ़ी अच्छी मुझे लगी। आईफोन का जो फ्रंट का कैमरा था इस वाले फ़ोन का वो था जस्ट 7 मेगापिक्सल, तो मेगापिक्सल डजंट मैटर, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मुझे लग रही है अभी। बाकी एक बार इसका रेयर कैमरा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ जो फोटो है अभी इस वाली साइड थोड़ा अंधेरा था, स्टिल इसने काफ़ी ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर ली है। मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो हम काफ़ी क्लियर इसमें देख सकते हैं, तो डिटेल इसकी काफ़ी अच्छी है। 5 साल पुराना होते हुए भी इसका कैमरा स्टिल मच बेटर है आज के कुछ एंड्रॉयड फ़ोन से। मैं यहाँ पर अभी कुछ और फोटोज़ आपको दिखा देता हूँ, तो ये जो फोटोज़ है मैंने इस कैमरे से डे एंड नाइट दोनों कंडीशन में ली और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। और अगर वीडियो की बात करें तो ये जो फ़ोन है आप यहाँ देख सकते हो कि जो रिकॉर्ड वीडियो लिखा है यहाँ पर, ये 4K at 60 FPS भी रिकॉर्ड कर सकता है। तो 5 साल पुराना फ़ोन भी 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकता है, विच इज़ अगेन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन इस प्राइस के अंदर 4K 60 FPS अभी भी नहीं दे रहे हैं,
तो एक बार आपको वीडियो भी इसका आउटपुट दिखा देता हूँ कि कैसे आ रही है इसकी वीडियो की क्वालिटी। तो ये जो वीडियो है 4K 60 FPS कर रहे हैं अभी आईफोन के बैक कैमरा से, और मैंने इसे कुछ शूट भी किया था तो मुझे लगता है क्लैरिटी इसकी अच्छी होगी। आप भी मुझे कमेंट करके बता देना कि इसकी वीडियो की क्वालिटी अभी आपको कैसी लग रही है, कि क्या 5 साल पुराने फोन से आपको ऐसी उम्मीद थी वीडियो क्वालिटी की या नहीं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो अब चेक कर लेते हैं इस फोन के स्पीकर्स। तो ये वाला जो आईफोन था इसके अंदर आपके पास डुअल स्पीकर थे, तो यहाँ पर आपके पास एक टॉप का स्पीकर भी था और ये बॉटम फायरिंग स्पीकर भी थे। तो यहाँ पे जो ईयर पीस था इससे ही आवाज आती थी, इवन ईयर्स तक मेरी हवा ये जा रही है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं तो अब ये ऊपर ऊपर भी हवा आ रही है। तो स्पीकर मैंने भी चेक करे इस फोन के, तो स्पीकर भी इसके अच्छे से काम करे, दोनों टॉप एंड बॉटम फायरिंग जो भी इसके स्पीकर हैं। ओवरऑल हमारा आईफोन 10 जो हमने कैशिफाई के ऑफलाइन स्टोर से खरीदा वो मुझे काफी अच्छा लगा। इसकी जो प्राइसिंग है मुझे लगता है कि 5 साल पुराने होते भी 22,000 थोड़ी सी ज्यादा है, इसको अराउंड 20,000 के अंदर होना चाहिए था, अराउंड 18 से 20 के अंदर। ये जो फोन है ये 5G फोन नहीं है, 4G फोन है, तो अगर आप अभी लेने का सोच रहे हो इसको, तो अगर आपकी 5G रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे सोच सकते हो। कैशिफाई का ऑफलाइन का स्टोर का एक्सपीरियंस मेरा डिसेंट रहा, मुझे जो फोन मुझे वहाँ पे दिखा उन्होंने जो दिखाया मेरे को एक बार में पसंद आ गया, तो मैंने वो फोन ले लिया। तो अगर आप एक ढूंढ रहे रिफर्बिश आईफोन 10 तो मुझे लगता है कि कैशिफाई का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस रिफर्बिश आईफोन 10 के साथ। ये वीडियो चली गई तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।